प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंस्ट्रुएशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, यूनिट बाय यूनिट हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं या दे सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन आपका बेलन के चैप्टर जो है वो बेलन वाला है, यूनिट आपकी अलजेब्रा है, सॉरी मेंस्ट्रुएशन है, यूनिट जो आपकी है वो मेंस्ट्रुएशन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़रा ध्यान दीजिए, हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आपका जो भी वक्र पृष्ठ है वो क्या दे रखा है, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना हो। आगे आप देखिए, आर बराबर 3 सी एम, सी एम का मतलब यहाँ सेंटीमीटर से है, हम लिख दे रहे हैं। आर बराबर क्या है आपका, 3 सेंटीमीटर। तो एच ज्ञात करो, यहाँ पर आर आपकी बेलन की त्रिज्या है, एच आपकी ऊंचाई है। ज़रा ध्यान रखें, हमने आपको डायग्राम में पिछली वीडियो में, मेंस्ट्रुएशन वाली वीडियो में, बेलन का टोटल डायग्राम बताया है, टोटल आपके फार्मूले बताए हैं, जो भी डायग्राम है उसका डायग्राम बताने के बाद जो भी मान हैं वो सारे मान बता दिए हैं। उसके बाद जो भी फार्मूले उससे रिलेटेड हैं सारे फार्मूले बता दिए हैं। आप पिछली वीडियो देखते रहें और फ़ायदा उठाएं। देखिए, आर बराबर 3 और एच का मान निकाल के लाना। अब देखिए अपने आंसर या सोलूशन में, सूत्र आपका क्या है, वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh। अब जरा आप ध्यान दें, वक्र पृष्ठ किसका है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे बेलन है तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, बराबर 2πrh। अब जरा आप देखिए, वक्र पृष्ठ 132 आपको दे रखा है, बराबर 2×22/7। पाई का मान याद रखें, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, ध्यान रखें। गुणा आर का मान आपका क्या है, 3 गुणा एच, ज़रा ध्यान रखें, गुणा एच। एच क्यों, क्योंकि हमें निकाल के लाना, एच हमें नहीं दे रखा है। आगे आप देखिए, 22 दूनी 44, ज़रा ध्यान दें, 22 दूनी 44, 44 तीन क्या होता है, 132। ज़रा ध्यान दें, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, 22 दूनी 44, 44 तीन 132, ये कट जाएंगे आपस में, तो एच बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 7। एच बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 7 सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान दें, आपको एच बराबर 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 7 तो आपका सोलूशन या हल करने पर मिल रहा है आपको, लेकिन सेंटीमीटर आपका कहाँ से आता है, ज़रा ध्यान दें, इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन में अगर आपका सेंटीमीटर है तो आपके आंसर में जो भी आंसर आ रहा है या जो भी मान निकाल रहे हैं तो आपको सेंटीमीटर रखना होगा। अगर आपका मीटर है तो आपको आंसर में अपने मीटर रखना होगा। आप बार बार वीडियो देखते रहें, समझते रहें, वीडियो को सरल व आसान तरीके से समझाया गया है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।